हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर फॉर मेंडिस डिजिटल एकेडमी। सो वी आर बैक विद आवर न्यू लेक्चर ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, है ना। फॉर्मेशन ऑफ नंबर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे कैसे हम लोग टैकल करते हैं। सबसे ज्यादा इसमें जादूगर वो जो वर्ड है ना, नंबर, वो जीरो है। जीरो जब भी आएगा ना, आप थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव हो जाना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस, है ना। थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा डाउट और क्लियर होते जाए। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर्स इज फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स दिस। तो हमारे पास कुछ नंबर्स रखा गया है, जैसे 1, 2, 4, 5, 7, 8, है ना। 6 डिजिट है हमारे पास, इससे हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट नंबर अगर बनाना है तो आप पहले देखो क्वेश्चन में क्या है, कि क्या रिपीटेशन अलाउड है ना, रिपीटेशन अलाउड या फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये दो केसेस आएंगे आपके पास। इमेजिन करो कि रिपीटेशन आपको अलाउड है, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से आप ब्लॉक क्रिएट करोगे। अब देखो कि तुम्हारे पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 6, है ना। और यहाँ देखो रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब आप कितने कोई भी नंबर को कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। इस पोजीशन के लिए भी हमारे पास 6 ऑप्शन आ गए, एंड अगेन 6, एंड अगेन 6, और अगेन 6। और ये अंदर में क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि जब तक काम नहीं हुआ है तब तक कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। अब देखो इस केस में ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, ये अच्छा केस है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या होगा कि आपको रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आपको इस नंबर को इससे ज्यादा यूज नहीं करना है। अब आप देखो, आपको 5 डिजिट नंबर बनाना था तो 5 प्लेस अपन ने क्रिएट कर लिया, हमारे पास 6 चॉइसेस है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस कितने हैं, 6। काम पूरा नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करो। अब देखो उन 6 जन में से कोई एक ही जन ना बैठा होगा, मान लो कि ये बैठा हुआ है, तो अब वो दूसरे सीट पे नहीं जा सकता। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस रह गए हैं, 5। यानी इस सीट को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5। अभी भी काम पूरा नहीं है, मल्टीप्लाई। फिर देखो, अब देखो 2 जन बैठ चुके हैं तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 4, है ना। फिर अगर हमारे पास कितने 3 जन गए, तो अभी देखो 3 जन बचे हुए हैं, 3 और यहाँ 2। तो इतने सारे नंबर्स हमारे मिलेंगे जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, और इतने नंबर्स मिलेंगे जब हमें हमारे पास रिपीटेशन अलाउड होगा। ओके, यहाँ पर देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर इज फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स दिस। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गया है, ऑड नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट का ऑड नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, एक हम लोग क्या ले लेते हैं, रिपीटेशन अलाउड, एक हम लोग ले लेते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। एकदम शांति मन से देखो, जैसे हम लोग को बोला वो कि ऑड नंबर बनाना है, तो ऑड नंबर बनाना है तो क्या दिमाग में चमका, भाई मेरे को यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर देखो तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। यानी आखिरी प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 3। रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले में भी इतना ही होगा, है ना। अब देखो, मान लो रिपीटेशन अलाउड है तो तुम किसी भी नंबर को कितनी बार भी यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए देखिए, यहाँ पे 4 और 2 6 है ना, तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शंस बचे हुए हैं, 6। क्यों? क्योंकि अपन किसी भी नंबर को कितनी नंबर ऑफ टाइम से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में भी 6, इसमें भी 6, और इसमें भी 6। रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला थोड़ा सा मजेदार है, यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक नंबर को एक ही बार यूज करना है। तो जैसे देखो, यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस थे, उन 3 चॉइसेस में मान लो अपन ने एक को यूज कर लिया, तो वो दूसरी जगह पे नहीं जाएगा बैठने, तब हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, इधर 4 और 1 5। यानी इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 5। अब देखो, हमारे पास 2 नंबर भर चुका है, तो 2 नंबर अगर गया, मान लो ये चला गया, तो हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, 4, 3 और 2। तो ये रहेगा हमारा आंसर रिपीटेशन नॉट अलाउड में।
और ये आंसर रहेगा हमारा रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड में। आई होप आपको ये सब क्लियर जा रहा है। अब देखो समझने का ट्राई करना, इस क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे, हाउ मेनी फाइव डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स यूजिंग दिस। अब हम लोग को इवन नंबर बनाना, तो इवन नंबर अगर बनाना है तो देखो फाइव डिजिट का क्रिएट करना है, तो रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टीम वर्क साथ में कर रहे हैं, इस वजह से सब लोग मस्ती के मूड में भी थोड़ा सा हैं, बट अपन थोड़ा सा लेक्चर फोकस करते हैं, बाकी करने दो इनको। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इवन नंबर्स बनाना है हमें। इवन नंबर्स बनाने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आए। अब देखिए यहाँ पर ये और ये, यानी यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, थ्री, है ना। रिपीटेशन अलाउड हो चाहे रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। अब देखिए रिपीटेशन अलाउड में क्या होता है कि किसी भी नंबर को कितनी बार भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास छह चॉइसेस थे, तो यूनिट अब यहाँ पर छह और छह, है ना। बट रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या होगा, आप एक नंबर को एक ही बार यूज करोगे। मान लो ये गया घूमने, हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, पांच, इसके लिए 5, 4, 3, 2, समझ में आया, है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोगों को ख्याल रखना है। अब देखो अब ये जादूगर जीरो आ गया, यहां हम लोग को दिक्कत होना चालू होगा। देखिए क्या है, हाउ मेनी फाइव डिजिट ऑड नंबर इज फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स दिस। अब हम लोग को पांच डिजिट रिपीटेशन अलाउड रहने देते हैं, अपन कर लेंगे ये रिपीटेशन नॉट अलाउड सीखते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर ऑड नंबर बनाना है तो ऑड नंबर के लिए क्या जरूरी है, यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर फंसे, है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखिए अगर यानी यूनिट प्लेस पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन चॉइसेस हैं और उन तीन चॉइसेस में सिर्फ एक जन बैठेगा, तो मान लो ये बैठ गया, तब हमारे पास कितने चॉइसेस बचे हैं, तो इधर है 5 और 1 6 लोग है ना। अब तुम ये सोचो कि क्या 6 लोग में 6 लोग एलिजिबल हैं यहाँ बैठने के लिए, नहीं ना, क्योंकि वो देखो 0 0 नहीं बैठ सकता यहाँ। तो उन 6 लोग में सिर्फ और सिर्फ 5 एलिजिबल है यहाँ पर बैठने के लिए। अब 0 एक्टिवेट हो चुका है, अभी तक अपन ने क्या करा है, 2 नंबर को यूज कर लिया, मान लो ये दोनों गया, तब हमारे पास क्या है, 5, देखो 4 और 1 5, तो इस प्लेस के लिए 5 4 3, है ना। तो 0 आता है तो थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव हो जाना ताकि आप सही आंसर की तरफ पहुंच पाओ। यहां देखो हाउ मेनी फाइव डिजिट इवन नंबर इज फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स दिस। अब इवन नंबर आया ना, यहां पर ये दिक्कत करेगा, यहां पर कैसा ये दिक्कत करेगा, देखो 1 2 3 4 5, हम लोगों को इवन बनाने के लिए यूनिट प्लेस पर इवन नंबर रखना जरूरी है। तो ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है और ये एलिजिबल है। अगर हम लोग सोच के चल रहे हैं कि यहाँ पर इस प्लेस को भरने के लिए 4 चॉइसेस है, तो अपन 100% गलत हैं। रीजन बीइंग, इमेजिन करो 4 चॉइसेस तो है, तो 4 चॉइसेस में मान लो कि 0 बैठ गया, है ना, रिपीटेशन Not allowed है। मान लो कि 4 choices में 0 यहाँ पर बैठ गया है, तो हमारे पास यहाँ के लिए कितने options ready हैं, 3 और 3 6, तो यहाँ 6 5 4 3, अरे ये। But आप imagine कीजिए कि क्या ऐसा possibility है कि 0 ही सिर्फ वहाँ बैठेगा। अगर मान लो 0 नहीं बैठ करके 8 बैठ गया, तो यहां पर देखो यहाँ 0 नहीं बैठ सकता था, बट यहाँ पर अपन ने सोच के रखा है 6 चॉइसेस हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, ये तो 5 हो जाएगा ना। तो ये जब 0 आता है ना, तो इसीलिए बोला जाता है थोड़ा सा आप ज्यादा अटेंटिव रहना। अब आप देखो 0 वाले क्वेश्चंस को अपन क्रैक कैसे करेंगे। तो 0 वाला जब भी रहेगा ना, आप 2 अलग अलग पार्ट में इसको सॉल्व करना, है ना। मान लो 0 को अपन बैठा लिए हैं और इधर 0 को नहीं बैठाए हैं, ठीक है ना। तो 0 को यहाँ बैठाने का कितना ऑप्शन है, 1, है ना, सिर्फ 0 बैठेगा, एक ही एलिजिबल है तो वही बैठ गया।
अब हमारे पास कितने चॉइसेस हैं इस प्लेस के लिए, देखिए इधर 5 और इधर 1 6, तो 6 5 4 3 चलेगा। अब देखो जीरो यहां नहीं बैठा है, तो ये आंसर करने का एक तरीका, तो इसका आंसर ऐड करोगे आप इसके आंसर के साथ। अब देखो जीरो यहां नहीं बैठा है, तो जीरो नहीं बैठा है तो कौन बैठेगा, 2 4 और 8 में से कोई, यानी इस प्लेस के लिए कितने चॉइसेस हैं, 3। समझ में आया? अब देखो वहां पर 3 है, अब इस प्लेस पर देखो जीरो नहीं बैठ सकता है, तो तुम्हारे पास पहले नंबर ऑफ नंबर्स कितने थे, देखो इधर 5 और 6 और 1 7, तो 7 नंबर्स थे ना, 7 नंबर में एक नंबर बैठा हुआ है बचे 6, और 6 में से एक जीरो भी है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने हो गए 5। अब देखो टोटल नंबर में से अपन ने 2 को यूज कर रखा है, तो 7 में से 2 चले गए तो बचा 5, तो यहां 5 4 और 3। समझ में? इस तरह से जीरो वाले को सिचुएशन को अपन हैंडल कर रहे होंगे, है ना। आगे प्रोसीड करते हैं हमने लेक्चर को। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस विदाउट रिपीटेशन। अब सोचो 6000 से बड़ा नंबर बनाना अपने को, है ना, और यानी देखो कितने डिजिट्स हैं, 3 और 1 4 और 1 5, 5 डिजिट्स है हमारे पास, 6000 से बनाना है ऊपर, तो देखो 6000 से ऊपर 4 डिजिट वाला भी नंबर होता है और 5 डिजिट वाला नंबर भी होगा, है ना। अब 6000 से ऊपर जाना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो देखो ये पॉसिबल है ये इस प्लेस के लिए 6 7 और 8, यानी कितने चॉइसेस अवेलेबल हैं, 3, है ना, काम रुका नहीं है, आगे अपन मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब देखो इस सिचुएशन में आप देखिएगा ये गया 3, अब देखो हमारे पास 4 और 1 5 है, तो 5 है तो 5 में से एक यूज हो चुका है, तो कितने बचे 4 3 और 2, तो देखो इतने सारे नंबर्स रहेंगे 4 डिजिट के जो कि ग्रेटर देन 6000 है। अब 5 डिजिट वाला कितना होगा, 5 डिजिट वाला तो सब बड़ा होगा 6000 से, तो तुम्हारे पास 5 चॉइसेस भी हैं, तो 5 4 3 2 एंड 1, तो इसका अपने को करना है सम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इधर देखो द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7000, तो 7000 से छोटा हम लोगों को बनाना है नंबर्स विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स दिस। ये हमारे पास 5 डिजिट हैं, कितने हैं देखो 0 1 3 7 और 9, ये हमारे पास 5 नंबर्स है, है ना। अब देखो विदाउट रिपीटेशन इज अलाउड, अच्छा रिपीटेशन इज अलाउड है, और 7000 से नीचे बनाना, तो देखो क्या 1 डिजिट वाला नंबर आएगा, है ना, फिर 2 डिजिट वाला आएगा, 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, 5 डिजिट में जाएंगे नहीं, वो तो 7000 से ऊपर निकल लेगा, तो 1 डिजिट में देखो कितने नंबर्स बन सकते हैं, 1 2 3 और 4, तो 1 डिजिट में कितने नंबर्स आएंगे, 4। 2 डिजिट के लिए देखो फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने अवेलेबल है, 4, है ना, और रिपीटेशन अलाउड है, तो अगले पोजीशन के लिए कितने हैं, 5, है ना, तो इतना बनेगा 1 डिजिट का, इतना बनेगा 2 डिजिट का। 3 डिजिट के लिए देख लीजिए आप, फर्स्ट इस पोजीशन के लिए कितने एलिजिबल हैं, 4, काम पूरा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई करना है अपने को 5 और 5। यहां पर देखो 4 डिजिट में यूनिट प्लेस पर आपको 7000 से नीचे रहना है, तो नीचे रहना है तो 1 और 3 यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और यूज किए तो 4 डिजिट में 7 वाला बन जाएगा, 9 वाला बन जाएगा, तो सुपर निकल लेगा, है ना। तो यहां पर क्या आ गया, 2 ऑप्शन आ गए इस प्लेस के लिए, और बाकी के लिए कितने हैं, 5 5 और 5, तो ये सबको अपने को ऐड करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ये सब वैसे मेंस और एडवांस का क्वेश्चन है। अब देखो
The number of four digit numbers strictly greater than 4321. Strictly इससे greater होना चाहिए. अब देखो इसको. 0, 1, 2, 3, 4, 5. आपने को इससे बड़ा नंबर बनाना है ना, 4321 से greater. 4321 से greater. और repetition is allowed. अब imagine करो कि तुमको कितने numbers, हाँ जैसे देखो 4 digit का ही बनाना है, तो 4 digit में ही रहना है अपने को. तो अब देखिए कि 1, 2, 3, 4. इमेजिन करो कि ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 5 से. तो अगर 5 से स्टार्ट हुआ और 4 डिजिट का है, तो अब आप सोचिए ना, कोई भी नंबर आएगा तो 4321 से बड़ा ही रहेगा. अब देखो हमारे को क्या है, रिपीटेशन अलाउड था, तो रिपीटेशन अलाउड है, फर्स्ट प्लेस पर 5 आ चुका है ना, तो इस पे 5 को बैठाने का कितना तरीका, एक. अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या है, रिपीटेशन अलाउड. तो हमारे पास कितने चॉइसेस है, 2, 2, 4 और 2, 6. इस प्लेस को भरने के लिए 6, 6 और 6 है ना. अगर 5 बन बैठ चुका है, हाँ, तो उसके बाद तो जो भी नंबर आएगा यार, ये 4321 से बड़ा ही रहेगा ना. तो अब देखो 4 वाले पे समझते हैं, 4 वाले पे क्या दिक्कत आएगा. देखो अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 बैठाते हैं, है ना, 4 के बाद अपन क्या बैठा लेते हैं, 5. अगर 4 के बाद अपन 5 को बैठाते हैं, फिर हमारा नंबर ये ग्रेटर ही रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगा. तो 4 को बैठाने का एक तरीका, 5 को बैठाने का एक तरीका, और उसके बाद 6 और 6 है ना. अब 4 के बाद मान लो अपन क्या बैठाते हैं, 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो इसको बैठाने का एक तरीका, इसको बैठाने का एक तरीका, फिर 6 और 6 है ना. तो 4 4 आ चुका है. अब देखो 4 3 को बैठाते हैं. अगर देखो 4 3 को बैठा दिए, तो देखो दिक्कत देने लगेगा, ये 2 नहीं बैठ सकता. तो 4 3 अगर बैठ चुका है, तो यहाँ 3, 4 और 5 बैठ सकता है, है ना. सोचो एक बार, 4 3 4 3 है ना. इमेजिन कीजिए ये वाला केस, और यहां पर अगर 2 भी बैठ रहा है, तो देखो 4 3 2 अगर यहाँ बैठ रहा है तो क्या दिक्कत आएगा. अगर यहाँ पर 2 बैठेगा ना, तो यहाँ 1 नहीं बैठ सकता और 0 नहीं बैठ सकता. तो उसके बाद कितने चॉइसेस हैं, यहाँ पर इस प्लेस के कोरस्पॉन्डिंग में 4 चॉइसेस हैं, बाकी सबके लिए 1 1 1 × 4. तो यहाँ से अपने को मिलेगा 4. यहाँ पर भी देखो 1 1 1, और यहाँ क्या मिलेगा हमारे पास, 6 चॉइसेस. इस चीज के लिए अपने को 6 चॉइसेस मिलेंगे. यहाँ 1 1 1 और 6, फिर 6, फिर 1 1 1, फिर यहाँ पे 6 है ना, फिर 1 1 1, यहाँ पर 6. समझ आ रहा है. तो इतने सारे अपने पास नंबर बनेंगे. आई होप इसके बाद और कोई केस नहीं बन रहा होगा. ठीक है, समझ में आ रहा ना आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिजिट. जो 5 डिजिट नंबर है ना, वो हमारा डिस्टिंक्ट डिजिट से बनना चाहिए. ठीक है, एंड 2 एट द 10th प्लेस, यानी 10th प्लेस पर 2 ही बैठेगा, डिस्टिंक्ट डिजिट है. तो हमारे पास 336 के है. अब देखो 2 को यहाँ बैठाने का कितना तरीका, सिर्फ और सिर्फ एक है ना, वो तो उसका जिद है ना कि 2 यहीं पे बैठेगा. अब देखो तुम्हारे पास कितने सारे डिजिट्स थे, 10 10, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से 2 बैठ चुका है. तो हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं. अब 9 ऑप्शन में भी देखो यहाँ पर 0 नहीं बैठ सकता, क्योंकि 0 बैठेगा तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो 0 नहीं बैठ सकता. तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग में कितने चॉइस हो जाएंगे, 8. अब देखो 8, एक नंबर इधर बैठा, एक नंबर इधर बैठा, 10 में से 2 जन बैठ चुके हैं. अब 10 में से 2 जन बैठ चुके हैं, तो तुम्हारे पास कितने चॉइसेस बच गए, आप 8. तो इस सीट के लिए 8, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 भी एलिजिबल हो चुका है, 8 7 और यहाँ 6. अब इसका सम क्या दिया हुआ, देखो 8 8 7 1 6, इसका वैल्यू दे दिया है 336 के. तो हम लोगों से पूछ रहा है के का वैल्यू. अब देखो इसका गेम चालू करते हैं अपन. ये 2 टाइम्स में जाएगा, 1 1 2 है ना, तो 56
ये और ये गया, तो k का वैल्यू हम लोग क्या मिल गया 8। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब डाउट, ठीक है। अब देखो द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब देखो थ्री डिजिट का नंबर अपने को बनाना है, 100 से बड़ा और 1000 से छोटा। दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो चार डिजिट के लिए देखो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, सॉरी तीन डिजिट का बनाना है ना, तीन डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कोई भी 100 से बड़ा ही होगा, और थ्री डिजिट पर रिस्ट्रिक्ट है तो 1000 से छोटा ही होगा वो। अब हम लोग को नंबर बनाना है 1, 2, 3, 4, 5 से, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 5। तो 3 और 5 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या आएगा, कुछ नंबर ऐसे आएंगे विच आर डिविजिबल बाय 3, फिर कुछ नंबर आ रहे होंगे विच आर डिविजिबल बाय 5, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे नंबर्स भी आएंगे जो कि दोनों से डिविजिबल हैं, यानी 15, है ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिविजिबिलिटी वाले नंबर निकालने होंगे, 5 वाले निकालने होंगे, दोनों को ऐड करना होगा और उनमें से 15 से जो जो डिवाइड हो जा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा हम लोगों को। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी हम लोगों को पता है कि सम हमारा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से, है ना। अब देखो तुमको ये भी पता होगा कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स वो हमेशा क्या होता है, डिविजिबल बाय 3 होता है। तो देखो 3 के लिए हम लोग ट्राई करते हैं निकालना, डिविजिबल बाय 3। तो 3 के लिए सोचिए 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 3, 5, इतना केस बनेगा 3 के डिविजिबिलिटी के लिए। अब देखो 5 के डिविजिबिलिटी के लिए देखिए, डिविजिबल बाय 5, तो 5 के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस आएंगे, देखो 5 में अगर 3 डिजिट बनाना है तो यहां पर अपने को 5 को बैठाना ही पड़ेगा, यहाँ ये बैठ गया। अब देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तुम्हारे पास 5 ऑप्शन थे, एक जन बैठ चुका है, तो 5 में से गया 4, तो इस चॉइस के लिए कितने हैं 4 और इसके लिए 3, तो इतना नंबर बनेगा जो कि 5 से डिविजिबल है। अब देखो 3 का डिविजिबल देखो, इतने नंबर से तुमको कितना नंबर बनेगा, तो बनेगा 3 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि 3 फर्स्ट के लिए 3, फिर 2, फिर 1, फिर 3, 2, 1, यहां पर भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल, है ना। 3 फैक्टोरियल का आपको पता है n फैक्टोरियल जो होता है वो n, n-1, n-2 ऐसे ऐसे चलते हुए नीचे जाते हुए 1 तक जाता है ना। तो इतना आएगा अपने को 3 से डिविजिबल, इतना आएगा अपने को 5 से डिविजिबल। अब देखो अगर हम लोग को 15 से डिविजिबिलिटी रिमूव करना है, जैसे इसमें देखिए इसका वैल्यू आएगा 6, 6, 6 और 6, है ना, और इसमें क्या आएगा 12। अब देखो 3 से डिविजिबल कितने आ गए 24 और इससे 12, तो 24 प्लस 12 हो चुका है, 24 प्लस 12 आ चुका है, इसमें से अपने को माइनस करना है जो कि 15 से डिविजिबल है। अब देखो 15 से वही डिविजिबल होगा जो कि 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी। तो देखो ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये शायद हो सकता है अगर 5 यूनिट डिजिट पे चल जाए। तो इसको देखिए आप, मान लो इससे बनने वाला वो सारा नंबर निकालते हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो, देखो 1, 2, 3, 5 से डिविजिबल होने के लिए 5 को यहाँ चिपकाना पड़ेगा। अब हमारे पास 3 और 5 है, यानी इस प्लेस के लिए 2 ऑप्शन है और इस प्लेस के लिए 1, यानी 2 नंबर ऐसा बनेगा। फिर यही सेम इसके साथ गेम है, यूनिट प्लेस पे 5 को बैठाना पड़ेगा, तो उसके लिए 1 चॉइस है, फिर 1 और 3 में कोई बैठ सकता है, यहाँ 2 और यहाँ 1, यहाँ पर भी 2 आया, यानी 15 से डिविजिबल होने वाले ये 2 और 2 4 नंबर है, तो यहाँ पर -4, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच आर पैलिंड्रोम,
तो सबसे पहले आप ये सोचिए ना कि पैलिंड्रोम होता क्या। तो पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड है, आप जैसे सोचो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दुनिया में जिसको आप इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो दोनों सेम आता है ना, वैसे नंबर्स को अपन पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे 1 2 3 2 1, अगर इस साइड से आप इसको पढ़ोगे 1 2 3 2 1, इस साइड से आप पढ़ के देखो 1 2 3 2 1, यही सेम साउंड करेगा है ना, इसको अपन बोलते हैं पैलिंड्रोम। अब देखो पैलिंड्रोम जब भी बोलेगा ना तो आपको ये चीज मान करके चलना पड़ेगा कि उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि रिपीटेशन इज अलाउड, क्योंकि पैलिंड्रोम बनाने के लिए आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को तो सेम करना ही पड़ेगा है ना, तो आपको नहीं बोल रहा हो कि रिपीटेशन अलाउड है। अब देखो 7 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, अब इमेजिन करो तुम्हारे पास कितने चॉइसेस हैं नंबर बनाना है ना अपने को, तो हमारे पास 10 डिजिट्स थे इंक्लूडिंग 0, तो 10 डिजिट में इस प्लेस को भरने के लिए कितने चॉइसेस हैं 9 9, क्यों? क्योंकि यहां पर आप अगर 0 भर दोगे तो ये 10 डिजिट का नहीं, ये 7 डिजिट का नहीं 6 डिजिट का रह जाएगा, तो इस प्लेस को भरने के लिए 9 चॉइसेस हैं, और 9 चॉइसेस में कोई एक ही जन बैठेगा यहां, और वो जन अगर यहां बैठ गया है तो यहां पर कौन बैठेगा, वही सेम जन यहां बैठेगा, तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, रीजन कि यहां पर 0 भी बैठ सकता है, तो इसको भरने के लिए अपने पास 10 है, लेकिन इस प्लेस को भरने के लिए सिर्फ 1, क्यों? जो यहां बैठेगा वही अपने को यहां लिखना पड़ेगा। फिर इस प्लेस को भरने के लिए 10, कॉरेस्पॉन्डिंग में इसके लिए 1, और फिर इस प्लेस के लिए 10। आई होप आपको इतने सारे नंबर्स मिलेंगे पैलिंड्रोम बनाने में। अब इसको देखो, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स दिस व्हिच आर डिविजिबल बाय 11, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब देखो इस बार तुमको 11 से डिविजिबिलिटी बोला गया है, है ना, तो 11 से डिविजिबिलिटी अगर जब भी आपको कोई बोलेगा ना तो आप क्या करना, ऑड प्लेस पर जो नंबर है उसका सम करो, फिर इवन प्लेस पे जो नंबर है उसका सम करो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर वो जो आंसर आने वाला है वो मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, मान लो 0 आ गया डिविजिबल है, प्लस माइनस 11 आ गया डिविजिबल है, प्लस माइनस 22 आ गया डिविजिबल है, प्लस माइनस 33 आ गया वो भी डिविजिबल है। यानी अपन ने क्या सीखा, देखो 6 डिजिट का था ना, ए बी सी डी ई एफ 6 आ गए। अब देखो इवन वाले को एक जगह करो, ऑड वाले को एक जगह करो, इनका सम करो, ए प्लस सी प्लस ई इसका सम किए, माइनस बी प्लस डी प्लस एफ, अगर इसका डिफरेंस 0, प्लस माइनस 11, प्लस माइनस 22, प्लस माइनस 33 या सो ऑन आती रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो डिविजिबल बाय 11 है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखिएगा एक बार स्लो करके, पहले तो सबसे पहले इसका सम करके देखो, तो यहाँ 3 7 3 10 5 15 और 9 24, तो 24 है, तो 24 अगर है तो तुम इसको देखो 12 12 में स्प्लिट कर सकते हो, तो देखो ये 2 3 और ये 9, 9 3 12 और 7 3 2 12 और 1 0 चलेगा। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इससे नंबर। अब देखो एकदम स्लो होकर के, मान लो कि हमारे पास क्या है 1 2 और 9, इसमें अपन 1 2 और 9 रखेंगे, माइनस इसमें अपन क्या रखेंगे 0 5 और 7। अब देखो 1 2 9 यहाँ ए में जा सकता है, तो इस ए सी और ई में अपने को 1 2 और 9 भरना है, तो इसके लिए 3 चॉइसेस है, इसके लिए 2 और इसके लिए 1, क्यों? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, समझ में? तो इसके लिए 3 चॉइसेस है, इसके लिए 2 और इसके लिए 1, तो अपन क्या सोचेंगे 3 फैक्टोरियल। अब बी डी और एफ में यानी ये 3 आने वाला है और इसको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा इनटू 3 फैक्टोरियल, समझ में आया ना? अब देखो अगर यही दोनों इधर उधर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 0 5 7 माइनस 1 2 और 9। अब यहां पर थोड़ा सा सोच करके बनाना, रीजन
ये जीरो आ गया, जीरो ए में घुसने वाला है, तो ए में ध्यान रखना कि जीरो नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास देखो क्या चॉइस है, फर्स्ट पोजीशन में तीन नंबर थे जिसमें कि जीरो एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर के लिए टू आएगा। अब एक जन यूज हो चुका है इस प्लेस के लिए, अपने पास कितने चॉइसेस हैं, दो और इसके लिए एक। अभी काम पूरा नहीं हुआ है तो अपन मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब देखो इन नंबर्स के लिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बी डी और एफ में, तो उसके लिए क्या आएगा, थ्री फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको क्लियर है। अब देखो द नंबर ऑफ सिक्स डिजिट पैलिंड्रोम विच आर डिविजिबल बाय 55। अब देखो पैलिंड्रोम के बारे में एक चीज और बताते हैं, पैलिंड्रोम कुछ भी हो वो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा, है ना। इसमें क्या ख्याल रखना है कि वो 55 से भी डिविजिबल हो, तो 55 से डिविजिबल होने के लिए क्या जरूरी है कि वो नंबर 5 से भी डिविजिबल जाए और वही नंबर 11 से भी डिविजिबल जाए। सिंस इट इज अ पैलिंड्रोम तो हमें पता है कि पैलिंड्रोम तो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो हम लोगों को 5 से डिविजिबिलिटी का देखना है। अब सोचो 6 डिजिट बनाना है ना, तो 6 डिजिट बनाना है विच इज डिविजिबल बाय 11 एंड 5, तो हमको यहां पर किसको बैठाना पड़ेगा, इसको 11 के लिए, तो देखो पैलिंड्रोम है वो 11 से जाएगा ही जाएगा, तो यहां पर अपने को 5 बैठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने को डिविजिबल करना है 55 से, मतलब 11 और 5, तो 11 से तो होगा ही, 5 से श्योर करने के लिए 5 को यहां बैठाते हैं। तो इसको यहां 5 को बैठाने के लिए एक चॉइसेस, और यहां पर अगर 5 बैठा है तो यहां पर भी आपको 5 को ही बैठाना पड़ेगा, तभी ये पैलिंड्रोम कहलाएगा, है ना। तो इस प्लेस के लिए 5 चॉइसेस आ गए। अब देखो इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास फिर से 10 ऑप्शंस एक्टिवेट हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि पैलिंड्रोम बोला है तो आपको रिपीटेशन ऑफ डिजिट वो नहीं बोलने वाला है, वो अंडरस्टूड है। तो ये 10 अगर यहां 10 तो यहां 1, यहां 10 तो यहां 1, सुनाया, तो इतने सारे आपको नंबर मिलेंगे विच आर डिविजिबल बाय 55, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 व्हेन 0 इज नॉट यूज्ड रिपीटेशन इज अलाउड। 7 डिजिट का आपको नंबर बनाना है विच आर डिविजिबल बाय 3 व्हेन 0 इज नॉट यूज्ड। अब देखिए तुमको जीरो इज नॉट यूज जानते हो क्यों दिया है, क्योंकि वो तुमको एक हिंट देना चाह रहा है। जैसे देखो तुम्हारे पास किस टाइप का नंबर है, तुम्हारे पास नंबर है 3n टाइप का, क्यों, देखो 3 6 और 9, देखो 3n टाइप का नंबर है। अब देखो 3n प्लस 1 टाइप का भी नंबर है अपने पास, 1 4 7, देखो 3n प्लस 2 टाइप का नंबर, देखो 2 5 8, है ना। अगर आप एक बार ऑब्जर्व करके देखना, 7 डिजिट है ना, 3 3 6 और 1 7, आप कोई भी नंबर इसमें डाल करके देखना, कोई भी नंबर अगर डालोगे ना तो वो क्या आएगा, या तो 3n आएगा, या तो 3n प्लस 1 आएगा, या तो 3n प्लस 2 जाएगा। इस इतना तक अगर आप भर रहे हो तो इसमें कुछ भी कर लो उसका सम 3n प्लस 1 या 3n प्लस 2 या फिर 3n ही आना है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कितने चॉइसेस हैं, 9, रिपीटेशन इज अलाउड, इसके लिए भी 9, इसके लिए भी 9, इसके लिए भी 9 और इसके लिए भी 9। अब आखिरी डिजिट के लिए तुमको सोचना है, अगर सोचो ना, अगर इधर तक का सम 3n आया, तुम्हारे पास कितने चॉइसेस हैं, 3n, मतलब ये देखो इसके लिए 3 चॉइसेस हैं। अगर 3n प्लस 1 आया तो तुमको 3n प्लस 2 टाइप का नंबर रखना पड़ेगा यहाँ, उसके लिए कितने चॉइसेस हैं, 3। अगर 3n प्लस 2 टाइप का बना इधर तो तुमको उसके लिए क्या, 3n प्लस 1 टाइप का नंबर डालना पड़ेगा, उसके लिए कितने चॉइसेस हैं, 3। तो क्वेश्चन कुछ भी रहे यहाँ तक जैसे बनेगा, आगे आने वाले लास्ट वाले नंबर के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही चॉइसेस रहेंगे, तो वहां पर आपका क्या आ गया, 3। समझ में आया, तो इतने सारे नंबर्स रहेंगे विच आर डिविजिबल बाय 3, है ना। आगे प्रोसीड करते हैं अपन, यहाँ देखो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यार वो रिपीटेशन नॉट अलाउड कर दिया। आप देखो तुम्हारे पास कि नंबर्स हैं कितने, 9 नंबर्स हैं। अब उन 9 नंबर्स में से तुमको देखो तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा 7 नंबर को, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, और 7 ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा
जिनका सम डिविजिबल बाय 3 हो। तो तुम इस तरह से सोचो, 7 को अपने को सेलेक्ट करना है। अच्छा एक बात बताओ, 7 को सेलेक्ट करना या 2 को रिजेक्ट करना, आपको नहीं लगता है कि सेम बात है? जैसे सोचो कि अगर हम तुम्हारे क्लासरूम में सिर्फ 9 बच्चे हैं, अगर हम आपको एक टास्क देते हैं कि आप 9 बच्चों में से 7 ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करो जिनका सम क्या जाए 3 से डिविजिबल, तो तुम बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको हम बोल दिए कि 2 बच्चे को रिजेक्ट कर दो, तो तुम ऐसे ऐसे 2 बच्चों को रिजेक्ट कर दोगे। जैसे देखो ना, जितने 9 डिजिट्स है ना, सबको अगर ऐड कीजिएगा आप, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 9 × 10/2, तो तुम्हारा सम क्या गया 45 है ना। तो सम अगर 45 है, तो सारे नंबर का सम यार 45 ही है, मतलब 45 तो डिविजिबल है। तो सारा नंबर अगर रह गया, तो उसमें से क्या होगा, वो सब डिविजिबल बाय 3 होगा ही सही। तो हमको 2 ऐसे नंबर को भगाना है जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। अब सोचो कि अगर पहला नंबर 3n टाइप का हुआ, तो तुमको इसके साथ किसको भगाना पड़ेगा, 3n टाइप को ही भगाना पड़ेगा। यानी अगर 3 भाग रहा है, तो उसके साथ तुम 6 को भगाओगे, या फिर 3 के साथ 9 को भगाओगे, या फिर 6 के साथ 9 को भगाओगे। इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि किसको पहले भगा रहे हो, किसको बाद में भगा रहे हो। अगर 3n टाइप का भगेगा पहली बार में, तो दूसरा बार भी तुमको 3n+1 टाइप का 3n टाइप को ही भगाना पड़ेगा। अब देखो, फर्स्ट नंबर अगर इमेजिन करो 3n+1 टाइप का है, तो तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा दूसरा नंबर क्या होगा, 3n+2 टाइप का नंबर आएगा। यानी देखो, 3n+1 टाइप का नंबर कौन था, 1, 4 और 7, और इधर 2, 5 और 8। देखो 1 का कॉम्बिनेशन 3 से बनेगा, 4 का कॉम्बिनेशन 3 से बनेगा, 7 का कॉम्बिनेशन 3 से बनेगा। यानी 1 का 2, 1 का 5, 1 का 8, 4 का 2, 4 का 5, 4 का 8, फिर 7 का 2, 7 का 5, 7 का 8। इन लोगों को ऐसे से भगाना पड़ेगा। तो सोचो ऐसे कितने तरीके हैं भगाने के लिए। तो देखो, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, तो 12 तरीका है भगाने का। तो भगाने का तरीका इज इक्वल टू सेलेक्ट करने का तरीका ना, अगर वो सब भग गए तो बाकी जो बच गए वो सेलेक्ट ही हो गया। तो भगाने का तरीका इज इक्वल टू सेलेक्ट करने का तरीका। तो अपन ने नंबर को सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट करने का कितना तरीका, 12। तो अभी नंबर तो सेलेक्ट हुआ है, अरेंज तो अभी हुआ ही नहीं है, तो अभी आप अरेंज करेंगे। तो अरेंज कितना नंबर आ चुका है, 7 नंबर आ चुके हैं। तो 7 नंबर को अरेंज करने का कितना तरीका, 7 factorial। तो ये रहा हमारा आंसर, कब, जब हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो इस चीज को देखना, अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ विच पी क्यू आर ऑब्जेक्ट्स आर सेम काइंड। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना, जैसे देखो आप ये देखना कि कभी तुम्हारे पास क्या होगा, सेम नंबर आ रहा है। जैसे देखो, अगर मान लो 1, 1, 1 तीन नंबर है ना, ये सब तुमको डिजिट मिल गया है, तुमसे बोल दिया कि ऐसे कितने सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में अगर ये 3 factorial आ रहा है, क्यों, क्योंकि तुम सोचोगे 3 सीट है, तो इस सीट को भरने के लिए 3 choices, इस सीट के लिए 2, इस के लिए 1, तो ये बात 3 factorial ये गलत है। रीजन, आप देखो ना, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना करके लिख के देखो, आप एक ही नंबर को बार बार लिख रहे होगे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आप ध्यान रखना, मान लो कि n नंबर्स है, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, अगर n ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, तो उसमें देखना इतना रिपीट कर रहा है ना सेम काइंड, तो जितना रिपीट कर रहा है उससे तुम डिवाइड मार देना, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ऐसे करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर मजा आ रहा होगा सीखने में, आप सीख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। थोड़ा सा शेयर करो यार, लाइक करो, और हमारे चैनल पे अपडेट रखना आप, बेल आइकन को हमेशा ऑन रखना, ठीक है। एंजॉय लर्निंग।